आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर को सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बना दिया। नहीं तो भाई ये तो बाकी क्रिकेटर्स भी लाइन में लगने वाले हैं। ये कहना जो है ये बिल्कुल 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 गलत है। ये ठीक है कि इमरान एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे वे बैक, और जब इमरान पॉलिटिक्स पे नहीं भी था तो हम जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर हम बहुत डिस्कशंस किया करते थे। बोथ ऑफ यू आर एचएसओनियंस, यस, और ख़ास तौर पे यू नो डिस्कसिंग इकबाल की शायरी, इकबाल की फिलॉसफी, कायदे, बिकॉज एक दोनों जो इमरान की भी जो लाइक माय दादा एंड हिज नाना दे वर टुगेदर इन गवर्नमेंट कॉलेज, इकट्ठे पढ़े हुए हैं। अरे वाह। और उस वक्त ये मुझे इस बात का नहीं पता था कि वो मेरे जो दादा थे बिफोर ही डाइड ही टर्नड 100 तो PTV ने उनका एक इंटरव्यू किया। अरे उन्होंने कहा कि ये इनकी ये अपना 100 साल के हो गए, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया, उसने कहा ये जो लड़का जो है इमरान जो क्रिकेट खेलता है तो ये इसके जो अपना नाना थे और मैं हम इकट्ठे थे और हमने उनको खड़ा किया इलेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज की यूनियन के लिए, ठीक है, और वो इलेक्ट हो गए। उनके मुकाबले में एक कैंडिडेट था वो हिंदू था, बल्कि दो कैंडिडेट थे। तो उस वक्त वो एक किस्सा बता रहे थे कि उनसे सवाल किया गया कि पहली दफ़ा कब आपने रियलाइज़ किया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि जब हम इलेक्शन जीत गए तो वो जो दोनों हिंदू कैंडिडेट्स थे वो प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जी हमें ये एक मुसलमान कैंडिडेट था, हम दो थे, तो ये ही इलेक्शन होना चाहिए, जिसको प्रिंसिपल ने अग्री नहीं किया। तो ही सेड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज्ड कि यू नो ये दोनों कौमें जो हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकती, इतना बड़ा डिफरेंस है। और वहाँ से शुरुआत जी वहाँ से शुरू हुआ। और फिर इनके जो दादा थे वो यहाँ हमारे अपना बारूद खाने के पास ही जो चट्टा अस्पताल है उसके वो MS रहे। तो बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं पेरेंट्स वे बैक तो मेरे इमरान के साथ नेचुरली हम स्कूल से, हालांकि मेरे से एक क्लास पीछे था, लेकिन हमारी असल जो क्या कहते हैं क्लोजनेस हुई दैट वाज आफ्टर स्कूल। वहाँ तो एक दूसरे को सब जानते थे और एक अच्छा यू नो एक तो कभी HSN में आपने उनको क्लीन बोल्ड किया? नहीं, मैं क्रिकेट कभी खेली नहीं है और मैं स्क्वाश खेलता था और एथलेटिक्स करता था। तो इमरान खेलता था फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, हॉकी भी, ही ऑल्सो यू नो हॉकी प्लेयर इन दीज गेम्स। और वो तो बल्कि एक दफ़ा मैंने कहा चलो स्क्वाश खेलें, तो हालांकि वो स्क्वाश नहीं खेलता था और मैं अचीवली स्क्वाश खेलता था, अब मैं स्क्वाश के लिए ना वो फैटी मुझे लगाई यार स्पोर्ट्समैन जो है ना वो स्पोर्ट्समैन ही होता है। हाँ जी बेशक। तो ये ज़रूर मेरा मतलब है कि ये हुआ कि हमने बहुत सारी चीज़ों को हम यू नो डिस्कस करते थे कि यहाँ इस मुल्क में ऐसे होना चाहिए होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में डेफिनेटली आई वुड यू नो एंड आई स्टिल डू आई कीप सेंडिंग हिम लिटिल थिंग्स यू नो, कभी इकबाल की पोइट्री, कभी कायदे आज़म की कोई स्पीच या इस तरह की चीज़ें वो मैं करता रहता हूँ। बिच ऑब्वियसली यू नो कई दफ़ा मैं कोई वीडियो बनाता हूँ अलामा इकबाल के कलाम के ऊपर तो वो खान साहब लगा देते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने अपने जो उनका जो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट, बिकॉज आई फील कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं मैं सबसे कहता हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास 7-7, 10-10 million फॉलोअर्स हैं तो कोई अपना फायदा तो जरूर करो लेकिन वो कौम का भी कर दो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी, कौम छोटी सी एक चीज़ आपने लगानी है। मसलन मोहतरमा फातिमा जना की भी बर्थडे हुई, उनकी जुलाई में ही उनकी बर्थडे होती है और जुलाई में ही उनका इंतकाल कर देना है। अब हम यंग जनरेशन जड़ी है वो भूली गई है उन्होंने किसी ने, मेरा मतलब है कि दसे ही नहीं कि यार उस अगर तुम बहुत सारी दुनिया दी औरतों को फॉलो कर दे समझते बढ़िया ग्रेट सन, व्हाट अबाउट अ वुमन लाइक मोहतरमा फातिमा जना, शी वाज सो एक्सेप्शनल। एग्जैक्टली, आई मीन यू नो शी फॉट अ डिक्टेटर लाइक अयूब खान, बिल्कुल यू नो, एंड अल्टीमेटली इट इज सेड दैट ही हैड अ किल्ड। और सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सबसे आपकी प्रोग्राम की विसात से कहूँगा यार जितने भी सेलिब्रिटी देना ये कम से कम 5-6 दिनों की कोई ना कोई जो है ना एक स्टेटस जरूर लगाया करें। नहीं सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम ही अपने हीरोज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कौन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ मैं एक बात इनके साथ ऐड कर दूँ कि ये करना चाहिए, ये क्या खानों की तस्वीरें लगा दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कौमें अपने कल्चर को नहीं सेव करती वो कौम ही नहीं रहती, वो कौम ही नहीं मिट जाया करते। बिल्कुल। और अब तो हम बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन में आ चुके हैं। बात यह है कि हर कौम अपनी यंग जनरेशन को अपनी नेशन की नेशन बिल्डिंग करती है। बेशक। हर मुल्क का एक बयानिया होता है, हमारा बयानिया या हमारी जो आइडियोलॉजी है
जो नजरिया है हमारा, हम एक नजरियाती मुल्क है, हम कोई, मेरा मतलब है जोग्राफी, हमारी ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आई जो सिर्फ हम कोई पैदावार नहीं है, हम एक नजरियाती मुल्क है। और अगर उस मुल्क का जो नजरिया है वो हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंचेगा तो कहानी खत्म हो रही है ना। आप लोग देख रहे हैं, पता ही नहीं किसी को। आप अपने किसी एमएनए एमपीए से पूछे कि 23 मार्च को क्या हुआ, 90% कहते हैं कि जी जंग हो गई थी उस दिन, कोई कहता है जी वह पाकिस्तान बना था उस दिन। इनको ये नहीं पता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था और 23 मार्च को क्या हुआ था और 25 दिसंबर को क्या हुआ था और 9 नवंबर को क्या हुआ। मैंने तो यह भी नहीं पता रात की हुई थी। बादशाह सलामत का काम ही सोने सोए रहने थे। क्या क्या जूम आनी बात कर, सो के उठे होने रोटी मांग लेनी होगी। किरण, यहाँ बातें तो बहुत मजे मजे की हो रही हैं, लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सुपर ओवर पे और यूसुफ अंकल के लिए और सामिया जी के लिए एक गीत गा दें। अरे ये बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। बसंत फेस्टिवल का 100% मैं अगर कहता हूं कि अगर कोई फेस है तो वो यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं। जितना इन्होंने बसंत फेस्टिवल को प्रमोट किया ते इस तरह दे पेचे है ते खान साहब भी आपके साथ छतों पे बड़े पेचे लगाए। खान साहब तो बसंत जब हमने एक्चुअली मनानी शुरू की है, हम तो हमेशा से क्योंकि ताल्लुक अंदरून शहर से, तो साडा ते सारा टब्बर जिहड़ा सी बसंत वाले दिन एक रात पहले ही असीं वेली आ जाना, सारी रात उतलावां छलावां। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब उनकी हुकूमत के होते हुए बसंत क्यों नहीं हो रही है, हमारे यंगस्टर्स को एंटरटेनमेंट क्यों नहीं ये प्रोवाइड हो रही? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कातिल डोर निकल आई है इस पर कोई सुस्की नहीं हो सकती। मुझे, मैंने खान साहब से कहा था कि बसंत आप करें, उन्होंने कहा फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि तो अगर कोई कत्ल होगा तो फिर तुम जिम्मेवार होगे। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। तो वाकई जब तक कि, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक एफर्ट होनी चाहिए। आप इतना बड़ा फेस्टिवल, आज आप जगह जगह जाके तो आप हाथ फैला रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए, आपका मुल्क नहीं चल सकता, आपका सब जितने भी बड़े हैं आपके जाके अमरीकनों से कह रहे हैं कि हमें पैसे। बसंत में टूरिस्ट टूरिज्म हमारा बसंत 200%। अगर बसंत को इन्होंने एक सेफ फेस्टिवल बनाया होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज टुडे ये 2-3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। क्या बात, बसंत के ऊपर, बसंत के ऊपर एक महकमा होना चाहिए। बिल्कुल, सारा साल हम प्लान करें, एक साल पहले हमें पता होना चाहिए कि बसंत कब। अगर आप बाहर से लोग, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ही आ रहे थे, बिल्कुल, अभी तो जब आपके कल को इंडिया से हालात ठीक होंगे तो वहां से तो लाखों लोग आना चाहते हैं। और आ भी रहे थे, और आ भी रहे थे, आ भी रहे थे। यहां तक मैं परवेज मुशर्रफ साहब को थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने बसंत को तका स्टार्ट करने की कोशिश जरूर की। मैं एक, अगर इसको आपको, मैं आपको ये बताऊं कि मैं नहीं समझता कि किसी भी हुक्मरान ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि ज़ियाउल्लाह के ज़माने में भी होती थी और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने भी, मियां नवाज शरीफ और इनकी सारी फैमिली है, शहरदार ये लोग हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने काइट फ्लाइंग की है जिस तरह के बाकी सब भी करते रहे। लेकिन ये फिर जब आके ये जो कातिल डोर जब आई है, और ये एक बड़ा एक सैड है कि इसको इस तरह, ये मतलब वो आप सोचें कि वो डोर है कि जिसमें वो धागा इस्तेमाल करते हैं कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर लोहे का भरोसा और साथ केमिकल्स, वो तो एक तलवार है खुली, यू नो। तो अब इसके लिए मैं कई सजेशंस दे चुका हूं कि भी इस तरीके से कर लो। मैं तो अगर आप कहें तो मैं भी बड़े अरसे से इस चीज को, हम बसंत बचपन से ही मना रहे हैं, और इसका एक सिंपल तरीका ये, ए आपकी डोर मोनेटाइज होनी चाहिए कि भाई डोर इन इन कंपनी से बन सकती है और ये बना सके। दूसरी चीज, आप बसंत जोन डिक्लेयर करें 4 दिन के लिए, ये अंदरून बसंत जोन है,